अभी दो विशेषण टिप हमें याद आ रही है मुझे। एक तो है पपीते के पत्ते का जूस, मतलब कि दोनों ही तरह से ताकतवर है। यदि रक्त कण कम हो रहे हैं तो भी बढ़ा रहा है, घट रहे हैं तो संतुलित कर रहा है। सफेद रक्त कणों का संतुलन करने में पपीते का पाई विश्व प्रसिद्ध है। सबको मालूम, आजकल दुनिया जानती है कि पपीते के पत्ते से हमारा जो रक्त के कण है उनका संतुलन होता है। छोटे छोटे चिकी चिकी पत्ते लेकर के एक आध चम्मच खाने से स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों को दोनों को फायदा होता है। दूसरा प्रयोग जो है, अभी आयरन की बहुत जरूरत है। सब कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स और आयरन, इम्यून पावर बढ़ाइए, तो इम्यून पावर के लिए पालक से बढ़िया क्या हो सकता है? पालक और जीरा, जीरे की फाकी लो, 7 दिन में आपका कैसा भी हो रक्त कण बढ़ जाएगा। नीम के पत्ते, मीठे नीम के पत्तों में जबरदस्त ताकत है, पर पालक के जूस का जीरे का बघार करके दो तो हजारों व्यक्तियों को मैंने एकदम ताकतवर, संपन्न, तक शक्तिवान बना दिया है। और चाइना 30 का प्रयोग साथ में रखिए तो आपके आयरन तुरंत बढ़ जाएंगे। चाइना 30 के अंदर चमत्कार क्या है, चाइना के अंदर कि यदि आपके शरीर में कोई तरह का सब निकल गया, कमजोरी भी आ गई है, तो उसको वापिस रिकवरी दे देगा। आर्सेनिक जलन मिटा देगा, आर्सेनिक दुख से दूर कर देगा, आर्सेनिक बेचैनी खत्म कर देगा, आर्सेनिक बुखार उतारने में ताकत रखता है। आर्सेनिक बहुत काम करती है, पर चाइना चाइना है, इसलिए होम्योपैथ क्या करते हैं, चाइना और आर्सेनिक का अदल बदल के प्रयोग भी करते हैं। दवाइयां तो बहुत है मित्रों, परंतु आज के समय में इतना ही जो काफी है। ये समस्या जो है, अच्छा क्षमा करें, कान के बारे में मुझे पॉइंट बहुत बढ़िया लगते हैं। जो लोग घर में हैं अभी वो लोग अपनी मर्म थेरापी सीखें। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ कि मर्म थेरापी कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको बचा सकते हैं और कान की सुनने की क्षमता बढ़ा सकते हैं और कान की आवाज़ें बंद कर सकते हैं। कान के पीछे का ये भाग है, उसकी हड्डी है, उसको दबा के रखना है और उसको पॉइंट करना है। सामने का एक पोर्शन है, उसको दबाना है, ये और दबा के रखना है। कान में अंगुली डालना है और नाक बंद करके रखना है, और ये प्रयोग जरूरी है। ऐसा गले वाला, सिर के थोड़े पॉइंट भी जरूरी है। आप कोई भी नारियल का तेल या सरसों का तेल लगा के, जैसे आपको शूट होता बादाम का तेल, बादाम का लगा के प्रयोग कर सकते हैं। हाथ की हथेलियों की पॉइंट बहुत जरूरी है। आप समझे कान में हाथ का क्या महत्व है, महत्व है ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये पॉइंट है, ये बहुत जोरदार है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कभी तो क्या करें, हिंदू को कहते हैं तो कहते हैं भाई ओम नमः शिवाय तक दबा के रखो, ओम नमः शिवाय तक दबा के रखो। मुसलमान होते हैं उसको कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह तक दबा के रखो, यानी ईश्वरी शक्तियां आपके साथ में आनी चाहिए, आपका मन लगना चाहिए कि आप सही कर रहे हो। हिंदू को भी काम करती है, मुसलमान को भी काम करती है, सिख को भी काम करती है और सबको काम करती है। कल ही मेरे पास में 2 दिन से पाकिस्तान से एक फोन आ रहा है कि सर मेरी एक छोटी सी बच्ची है, और फोन, मैंने कहा बेटा मुझे क्यों फोन कर रही हो, तंग मत करो, भी सब कुछ बंद है, कि मेरी सुन तो लीजिए व्यथा। उस बच्ची को 3 महीने की थी तब से जो नसें सूख गई थी, वो सुनती नहीं है और वो सिर पटक पटक के रोती है और बहुत तकलीफ में है, कुछ दवाई बताइए ना। मैंने कहा बेटा हो सके तो सामान्य दूरी से आप कोमोमिला खरीद लो, वहीं से ले लो, कोमोमिला इरिटेशन की दवाई है। मैं ये कहना है, मैंने उसको समझाया कि बेटा न तो हम आपको दवाई भेज सकते, नहीं आपकी हम मदद कर सकते, नहीं देख सकते, तो कृपा करके क्षमा करो। ये मत समझना कि हम आपको मदद नहीं करना चाहते, पर मदद कर सकते हैं, पर अभी समय हमारे पास में ऐसी स्थिति है कि अनावश्यक हम लोग कोई भी प्रयत्न करेंगे तो तकलीफ बढ़ेगी। तो इतना कहने से बड़ी खुश होकर बोले गई बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको वो रखे, ऐसी जो अपनी भावनाएं उसने कही। मैंने भी कहा बेटा सुखी रहो, चिंता मत करो, सब हिंदू मुसलमान सब जगह है और सब जगह अच्छे इंसान हैं, बुरे हैं, सरकार की पॉलिसियाँ अच्छी हो, देश में सबके साथ में मैत्री भाव हो, लड़ाई झगड़ा संसार से खत्म हो जाए, यही हमारी शुभकामना है। प्रणाम प्रवीण। देखिए सबको सद्बुद्धि आए, और यहाँ तो हमारे देश में सद्बुद्धि आई हुई है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, जैन धर्म में ये कहता है कि हम तो लड़ते लड़ना पसंद नहीं करते हैं, घृणा फैलाना पसंद नहीं करते हैं,
यदि बाकी के लोग भी यदि घृणा फैलाना बंद कर दे तो देश की संसार भर के अंदर प्रेम और करुणा का प्रादुर्भाव होगा और स्नेह संपदा बढ़ेगी। प्रणाम।